और बाद वो दादागिरी चला रहे थे वहाँ पे, गाली ये बोल रहे थे कि मादर सामान उनने खा लिया, फिर बाद में कहने लग गए नहीं है पैसे वैसे और वो फलाना ठिकाना ये मंगोड़ी वगैरह ये ली थी। क्या फिर पैसे नहीं दे रहे थे? और क्या, आपने पैसे की मांग करी तो? हाँ, तो थोड़ी भेस हुई, फिर वो चले गए भेस करके। फिर दोबारा वो हथियार में हथियार लेके चार पांच गाड़ी आए घर पे, तो उन्होंने डायरेक्ट हमला कर दिया सब। कलयुग के जमाने में लड़ाई झगड़ा तो आम है और छोटी छोटी बातें कौन से विवाद को रूप ले ले कही नहीं जा सकत। अब जरा जो विवाद देखो, गुना जिला में इत पानीपुरी यानी पानी टिक्कियां पीवे के बाद छुट्टे पैसा ना होवे के चलते विवाद इतो बढ़ गो कि तीन थानन की पुलिस को मोर्चा संभालने पड़े। गुना जिला में बुधवार रात एनाफेल थाना क्षेत्र की जब पूरी घटना है, पानीपुरी खावे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गो, विवाद बढ़ गो और इको रोकवे के लाने राघोगढ़ विजयपुर और धरनावदा तीन थानों की पुलिस को मोर्चा संभालने पड़े। पूरा विवाद भील समाज और मीना समाज के बीच भाव, दो ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। भील समाज को आरोप है कि मीना समाज के युवकन ने देशराज भील नाम के युवक के ठेले पे पानीपुरी को लुत्फ उठाओ बिना पैसा दे जान लगे, यही को लेकर विवाद भाव। मीना समाज के युवकों ने भील समाज के घरों पे हथियारों के संगे हमला बोल दो जी में कई लोग घायल हो गए। उतने दूसरे पक्ष को आरोप है कि उनने देशराज भील से 500 रुपया की छुट्टा मांगे, देशराज ने 500 को नोट अपने पास धर लो लेकिन छुट्टो देवे से मना कर दो और यही बात को लेकर बहस भई। फिर देशराज और उनके साथियों ने गोलू मीना रूपेश और विष्णु को बंधक बना लो। क्यों थानों की पुलिस पहुंची और मौके पे आके तनाव को कम करने को प्रयास करे। यही मैं जो शाम को ठेला लगाता हूँ नाश्ता पानी का, समोसा नाश्ता पानी का ठेला लगाता हूँ, तो करीब 9-10 बजे ये आए थे, तो ये वहाँ पे गाली गलौज करी, दादागिरी चलाई के पैसे वैसे भी नहीं दिए, फिर थोड़ा बहुत बोला तो वो करने लग गए, फिर वहाँ से वो चले गए। फिर दोबारा ये 8-10 लोग आए घर पे, तो सीधे ही मारपीट करी है सब में दिए, ये 8-10 लोग थे। मैं छोला टिक्की समोसा का और मंगोड़ी वगैरह ये नाश्ता पानी। विवाद वो दादागिरी चला रहे थे वहाँ पे, गाली ये बोल रहे थे कि मादर सामान उनने खा लिया, फिर बाद में कहने लग गए नहीं है पैसे वैसे और वो फलाना ठिकाना, और वो दारू में पिए थे। समोसा लिया था? हाँ। टिक्की ली थी या समोसा लिया? ये मंगोड़ी वगैरह यही ली थी। क्या फिर पैसे नहीं दे रहे थे? और क्या, आपने पैसे की मांग करी तो? हाँ, तो थोड़ी भेस हुई, फिर वो चले गए भेस करके। फिर दोबारा वो हथियार में हथियार लेके चार पांच गाड़ी आए घर पे, तो उन्होंने डायरेक्ट हमला कर दिया सब। कितनी बजे? 10-10:30 बजे के लगभग। कितने लोग आए थे? ये थे 8-10 लोग। क्या, तो किस चीज़ से हमला बोला है? क्या था उनका हथियार? क्या था हथियार? पिस्टल भी थी और बड़ा चाकू भी था, तलवार थी और लोंगी मोंगी सब था हथियार तक। तो आपका क्या नाम? मेरा नाम देशराज भील। कितने लोग आए हैं? हम 4 लोग हुए हैं। क्या क्या नाम? एक रीना है, एक मांगीलाल है, एक फूला भाई है, एक देशराज। में किसका आस्ते हो आप लोग? मैं भील, भील आदिवासी। एक ही परिवार है? हाँ, एक ही परिवार। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी नगर पालिका में ये कॉर्पोरेटर। हाँ, पानी का सप्लाई करते हैं। क्या मतलब पुलिस पहुंची? पुलिस लेट आई थी पुलिस। और क्या, निवासी कहाँ के हो? निवासी महके हैं, महके हैं पालिका बाजार है ना पे। सड़क वालन जादू नहीं, ये विजयपुर है ना पे। प्रॉपर कौन से जगह है? पालिका बाजार। हाँ, प्रॉपर पालिका बाजार। रात कितने बजे की है? ये 10-10:30 बजे के आसपास। थाना कौन सा लगता है? थाना कोलवा भी। तो क्या कुछ चाकू वाकू छोड़ गए हथियार ही छोड़ गए चाकू? हाँ, हथियार पुलिस वालों ने जब्त करी है। हाँ, तो सर इसी बात पर विवाद हुआ पैसे के लिए? हाँ। कहाँ के हैं वो लोग? वो लोग पता नहीं कहाँ के, इतना नहीं जानता हूँ। कोई बता रहा है कि रागोर साइड के हैं, मीना वगैरह ही। नाम नहीं जानते किसी के? रूपेश मीना है और एक और रवि मीना है, कोई ऐसा नाम है उनका, 3-4 का पता है, और का पता नहीं कौन कौन थे। कल मैं और मेरा दोस्त गोड़िया राजस्थान से आ रहे थे रात को, तो डोंगर पहुंच गए थे हम लोग लौटते समय,
तभी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया जो पालिका में रहता है, उसने कहा कि यहाँ आ जाओ। हम लोग वहाँ पहुँचे और NFL गेट पे उसका इंतज़ार करने लगे। तभी मेरे दोस्त ने फुल्की टिकिया जो होती है वो खाने की इच्छा जाहिर की और टिकिया खाने चला गया। अब तभी टिकिया वाले से पूछा कि भाई फ़ोन पे कर दें पैसे, तो उसने कहा फ़ोन पे नहीं हो पाएंगे, कैश दे दो। तो कैश खुले नहीं थे, तो उसके बाजू में एक लड़का है कोई भेद समाज का शायद, नाम तो मैं नहीं जानता, उसके पास मेरा दोस्त गया और बोला 500 के छुट्टे दे दो। तो उसने 500 रुपये तो उसको दे दिए, लेकिन इससे बोलता है कि जो इसने कहा भैया खुले तो दे दो, तो ये बोलता है तूने दिए ही नहीं पैसे। इतना कहा सुनी हुई थी हमारी, इतने उसके कुछ दोस्त लोग थे, कौन थे पता नहीं पालिका के, उन लोगों ने लाते घूसों से मारे, हमारे कपड़े वपड़े फाड़ दिए। ठीक है, अब यही बात हो गई, इसके बाद में बोलो वहीं पे बैठा लिया हम लोगों को। अब मैंने अपने भैया को फ़ोन किया, छोटा भाई है मेरा, उनका भैया यार आ जाए यार, यहाँ पे यार लड़ाई हो गई यार। तो वो मेरा भैया थोड़ी देर बाद आया, तब उन लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से, वो तो और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने हम तीनों को बहुत ज़ोर से मारा, मतलब बांध के कम से कम 3-4 घंटे तक मारा, बांध के मारा हम लोगों को, बंधक बना के रखा उधर पालिका में। पुलिस वालों ने जाके छुड़वाया हम लोगों को, उनको भी बड़ी समस्या आई है, रावगढ़ की रुठियाई और विजयपुर की पुलिस पहुंची, तब जाके हम लोगों को छुड़वा के लेके आए। मतलब मेरे सिर में भी चोट आई है, काफ़ी सारे टांके आए हैं और मेरे भैया के भी, और पूरे शरीर में जगह जगह, मतलब ये समझ लो आप उठने बैठने में भी समस्या हो रही है। विवाद क्या हुआ था, किस बात के लिए? विवाद यही हुआ था, उस लड़के से इसने छुट्टे मांगे थे, तो उसका कहना ये है कि टिकिया खाने के पैसे तो दिए हैं, लेकिन वो बगल वाला जो टिकिया वाले से तो हमारी लड़ाई नहीं है। ठीक है, वो तो बाजू में जो अंडे का ठेला लगा रखा है, उस जो भील समाज का लड़का है उसकी, तो उस लड़के से इसने खुद छुट्टे मांगे 500 के। अब उसने 500 का तो रख लिया या गिरा दिया क्या है पता नहीं, अब वो बोलता है तुमने पैसे ही नहीं दिए। इतना ही 2-4 बात हुई थी कि उसके जो दोस्त लोग हैं उन्होंने आके और मारपीट कर दी, और फिर इसके बाद में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आके उन्होंने कहीं घर में घसीट ले गए, कहीं बाहर खंभे से बांध दिया, पेड़ से बांध दिया, इतनी चोटें आई हैं पता नहीं काय काय से मारा उन लोगों ने। पेड़ से किसे मारा था? मुझे खंभे से बांधा था, पेड़ से मेरे भैया को बांधा था और ये मेरा दोस्त है इसको बांधा। क्या नाम है आप लोगों? मेरा नाम गोलू है, मेरे भैया का नाम रूपेश है और ये मेरा दोस्त विष्णु है। कितने लोग घायल हैं इस घटना में? हम 3 लोग घायल हैं। निवासी कहाँ के हो? रावगढ़ के। गंभीर चोटें आई हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं। बहुत पुलिस ही पहुंची थी, पुलिस ने भर्ती कराया? पुलिस ही बचा के लाई है, नहीं तो वो हमें मार ही देते। वो सारे पुलिस पहुंची? 3 थाने की पहुंची थी, रुठियाई, विजयपुर और रावगढ़। दो पक्षों की बातें अगर सुनो तो घटना के कारण तो छोटे लगते हैं लेकिन विवाद बहुत बड़ा हो गया। गुना से गौरव शर्मा, बुंदेली, बौछार किलाने। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।